Hi, students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th, G Science, we are on chapter 19th. In the previous lecture, complete the reading of our chapter. Today, we start the keywords of this lesson. First one is acid rain. Rain, water containing acids like nitric acid and sulfuric acid. फॉर्म्ड बाई कम्बिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर रेन वाटर के अंदर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के कम्बिनेशन का मिलना कम्बिनेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट के साथ जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ वो रेन क्या है एसिड रेन कहलाती है पोल्यूशन कॉन्टामिनेशन ऑफ एयर बाई अनवॉन्टिड सबस्टांस हैंग हार्मुल इफेक्ट ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम हवा का दूषित हो जाना हार्मफुल इफेक्ट जो डालना वो लिविंग ऑर्गेनिजम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम में तो वो एयर पोल्यूशन कहलाता है कार्बोक्सरी कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड वेन कार्बन मोनोऑक्साइड कम्बाइन्स विद हीमोग्लोबिन इन ब्लड एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मिल जाती है हीमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड के अंदर उसके साथ ग्लोबल वार्मिंग द ग्रेडुअल इंक्रीज़ इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर है उसका इंक्रीज हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय ग्रीन हाउस गैसेज कोजिंग वार्मिंग इन द ऑफ द अर्थ रेडिएशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा ट्रैप की जाती हैं उससे क्या है वार्मिंग हो जाती है टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है ग्रीन हाउस गैसेज गैसेज विच हैव द कैपेसिटी टू ट्रैप सम ऑफ द सन ही सनस हीट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ वो गैसेज जिनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो सन की हीट की रेडिएशन है जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट बैक की जाती हैं वापस भेजी जाती हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज कहलाती हैं मार्बल कैंसर द फिनोमिना ऑफ द कोरिजन ऑफ मार्बल ऑफ़ द मोन्यूमेंट्स बाय द एसिड रेन वो फिनोमिना जिसमें जो मार्बल है या मोन्यूमेंट्स हैं मार्बल के जो बने हुए एसिड रेन के कारण उनका उनको ख़त्म हो जाना खतरे में पड़ जाना उनके कलर चेंज हो जाना मार्बल कैंसर कहलाता है पोल्यूटेंट ए सब्सटेंस कैपेबल ऑफ कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन प्रोपोर्शन ग्रेटर देन इट्स नेचुरल अबंडेंस किसी भी सब्सटेंस का जो हार्मफुल इफेक्ट जो है और उसका अपनी प्रोपोर्शन से ज्यादा मात्रा में नेचुरल से ज्यादा होना एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूटेंट कर कर आता है नेक्स्ट वी हैव द पोल्यूशन पोल्यूशन द कंबीन कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंस नोन एज पोल्यूटेंट्स जो एनवायरमेंट के अंदर हाउम हार्मफुल सब्सटेंस हैं पोल्यूटेंट्स बोलते हैं जिनको उनका बढ़ना पोल्यूशन कहलाता है स्मोग कम्बिनेशन ऑफ स्मोग विद द एयर पोल्यूटेंट्स एंड फोग फोक का और स्मोक का कम्बिनेशन जो है अदर पोल्यूटेंट के साथ वो है स्मोक कहलाता है ये हमारे कीवर्ड समाप्त हो गए हैं अब हम पार्ट ए बी सी करेंगे इन द पार्ट ए वी हैव फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फिलिंग फर्स्ट वन वी हैव डैश एंड डैश गैसेस डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म रेन फॉर्म सॉरी फ्रॉम फॉर्म एसिड रेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड दोनों आएंगे इनके फिलिंग द ब्लैंक्स में द फिनोमिना ऑफ द कोरिजन ऑफ मार्बल ऑफ़ द मोन्यूमेंट बाई एसिड रेन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर क्या बोलेंगे मार्बल कैंसर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन नेक्स्ट थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर टू ऑफ द मेन ग्रीन हाउस गैसेज ये जो है मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं फिनोमिना ऑफ लाइकली इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग क्या बोलते हैं उसको ग्लोबल वार्मिंग नेक्स्ट वी हैव टू फॉल्स burning of fossil fuel is one of the main one of the many causes of the air pollution true high concentration of nitrogen oxide in the atmosphere can result in respiratory problems that's also true the ultraviolet ray of the sun get observed mainly by the oxygen present in the atmosphere that's false acid rains does not corrode metals that's false sulfur dioxide is one of the greenhouse gases that's also false now we have part c sorry part c take the correct option which of the following is responsible for depulsion of the ozone layer chlorofluorocarbon an increase in the amount of carbon dioxide and methane in the atmosphere is likely to lead global warming. main gases that trap the solar heat, heat radiation after their reflection from the earth are our answer is carbon dioxide, methane and water vapour. that's your answer. ताजमहल एट आगरा मे गेट डैमेज इफ़ इट्स सराउंडिंग एटमोसफेयर कंटेन्स मोर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड स्मोक कम्बिनेशन विद वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म स्मोक क्या स्मोक ये हमारे पार्ट एस ए बी सी आपने बुक में फिलअप करने हैं कीवर्ड्स को लर्न करना है ये आपका आज का होमवर्क रहेगा ओके थैंक यू सो मच